यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ऐसे में टिकट के दावेदार हर तरह से वोटरों को लुभाने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, फिर बीजेपी ने, अब आज समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास शुरू किया है। आज शहर दक्षिण की सीट से सपा के टिकट के दावेदार बब्बन दुबे ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करके ब्राह्मण समाज को सपा की सरकार बनने के बाद पूर्ण भागीदारी देने का वादा किया। करके ब्राह्मणों को मार रही है। जितने मकान गिरे हैं ब्राह्मणों के गिरे हैं, जितने अपराधी इनके पार्टी में हैं उनका कोई मकान नहीं गिरा है। जितने पूर्वांचल के माफिया हैं, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह से लेके सुशील सिंह से लेके विनीत सिंह से लेके जितने ठाकुर माफिया हैं उनका किसी का मकान नहीं गिरा। लेकिन अगर ब्राह्मण जरा सा भी हुआ, अब ये विकास दुबे माना कि अपराधी था, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था? जो 6 दिन की उसकी बहू आई थी उसको जो है ले जाकर उठा के जेल में भेज दिए। महंगाई चरम सीमा पर, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमारे साहब ने बताया कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, बलात्कार का मुकदमा एशिया में फर्स्ट नंबर, भाजपा सरकार इस समय उत्तर प्रदेश का नाम एशिया में फर्स्ट नंबर बलात्कार में, अपराध में और बेरोजगारी में, गरीबी में, महंगाई में चरम सीमा पर है। हम लोग समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं हम लोग उनका पूरा विरोध करते हैं और हमारे आए हुए हमारे नेता का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बी पांडे जी हैं, सलीम इकबाल सेवानी जी हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के नेता हैं। ये सपा नेता बब्बन दुबे ने इस सम्मेलन में ब्राह्मण सम्मेलन का नाम तो दिया लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर सलीम इकबाल शेरवानी को बुलाया। बीजेपी ने इस पर भी तंज कसा और कहा कि जिस विधानसभा में सपा के पास ब्राह्मण नेता नहीं है उस पार्टी का ब्राह्मण प्रेम समझा जा सकता है। हालांकि सलीम शेरवानी बीजेपी को ही हर मुद्दे पर फेल बता रहे हैं। वो नफरत की हो रही है, लोगों में फ़र्क किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। तो सवाल ब्राह्मण सम्मेलन का नहीं है, सवाल यह है कि हम सबको एक मंच पर आके पूरे देश को इस नफरत की आग से बचाना है। तो क्या ब्राह्मण समाज आपके साथ नहीं? देखे, आज मुझे सम्मान मिल रहा है ब्राह्मण समाज से और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज हो, हमें सबके पास जाना चाहिए और सबको साथ लेके अपने प्रदेश को बचाना चाहिए। Thank you.